सर, डी नोटिफिकेशन का दौर चल रहा है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत से हम कब गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का डी नोटिफिकेशन करेंगे? एक अलग विभाग है हमारा, नवीन ऊर्जा विभाग, और इस विभाग के नाते हमने मध्य प्रदेश में पूरा प्रयास किया है कि विंड से, बायोमास से, सोलर से बिजली बनाने का हम प्रयास करें। सोलर में तो आज की तारीख में हम देश में सेकंड नंबर के सबसे ज़्यादा चलने वाले प्रांत हैं, पर किसानों को ज़्यादा ज़्यादा राहत मिले यह आवश्यक है, इसलिए हमने तय किया है 5 हॉर्स पावर की सोलर मोटर में 85% सब्सिडी देंगे, मतलब कि 5.5 लाख की मोटर होगी और उनको सिर्फ 55,000 में पड़ेगी और उस पर 15 साल की गारंटी रहेगी। ऐसे ही 3 हॉर्स पावर की मोटर पे 90% सब्सिडी है, मतलब किसान को खाली 30,000 रुपये देना है, पूरी ट्यूबवेल की मोटर सहित सारे पार्ट्स उसमें उनको मिलेंगे और वो भी 15 साल की गारंटी रहेगी। एक ड्विल मीटर प्रणाली से, नेट मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं, ये एक उसका शब्द है, उसमें सारी सोलर जितनी शासकीय तो हमने तय कर ली लगाने वाले हैं। सोलर पे छत की प्लेट लगेगी, उस पे 50% सब्सिडी है, 50% कस्टमर को देना पड़ेगा या जो लगवाएगा उसको देना पड़ेगा। उसमें 2 मीटर रहेगी, बिजली बनेगी तो मीटर के द्वारा बिजली विभाग को जाएगी और दूसरे मीटर से आप बिजली जलाते रहोगे। जब दोनों को हिसाब करेंगे तो अगर ज़्यादा बिजली बनी है तो आपका MPV से लेना है और कम बिजली, ज़्यादा बिजली आपने खर्च कर दी तो MPV को देना है, एक बड़ी राहत इसमें बनेगी। ये जेल में दीवार फान के निकल गए, ऊपर वायरिंग नहीं थी, बिजली की कभी लाइट चली गई तो उनको आसानी हो गई काटने, अब हम ये सोलर की वायरिंग पे पूरा काम कर रहे हैं। जेल की सारी दीवारों पर सोलर बिजली की लाइट रहेगी, वो एक बहुत ताकतवर शॉक वाली होती है, उसको हाथ लगाएगा तो आदमी मरेगा नहीं पर कम से कम 15-20 फुट दूर जाके गिरेगा और उसी के साथ पूरा अलार्म चलेगा। ये सोलर फेंसिंग का काम हम जेल में भी कर रहे हैं और फॉरेस्ट के जितने जंगल हैं उन सब के बाहर आसपास भी कर रहे हैं। जी, काफ़ी तीन अहम आपने बिंदु गिनाए, खासतौर पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी आपने कहा कि बिजली की वो खुद भी उत्पादन में सक्रियता निभा सकते हैं, अपना खर्चा भी कम कर सकते हैं, सरकार को भी बिजली पहुंचा सकते हैं, जेल की सुरक्षा और वनों की सुरक्षा भी। लेकिन इस काम में जो गति होनी चाहिए, जो दिखाई देना चाहिए, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है। आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ अब धरातल पर साफ तौर पर दिखाई देनी चाहिए? एक अच्छा ही है जो हमारे लिए बुराई भी हो सकती है, अच्छा ये है कि प्रदेश में बिजली की समस्या नहीं है। अब बुरा ये है कि बिजली की अगर समस्या नहीं है तो आदमी सोलर की तरफ काहे को जाएगा, थोड़ी सी महंगी है ही, है ना? तो इसलिए हम डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि इसका कारण हमको दिक्कत है, परंतु तो अच्छा ही है कि लोगों को वो पूरी चीज़ मिल रही है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे विभाग के मंत्री जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबने इसको प्राथमिकता दी है कि जितनी भी मध्य प्रदेश में बिजली बनेगी उसकी 2% बिजली नवकरणीय बिजली से या नवीन ऊर्जा से आपको बनानी पड़ेगी, और उसके कारण अब गति आई है, अभी हमने कई टेंडर करें और अच्छे परिणाम आ रहे हैं उसके। चलिए, बहुत यहाँ पर अलग अलग तरह की जानकारी यहाँ पर ज़रूर निकल कर सामने आ रही है। खास बात यह है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो जब क्रियान्वित होंगी, जो इम्प्लीमेंट होंगी, तो उसका सीधे तौर पर फायदा ना केवल उपभोक्ताओं को बल्कि पूरे पृथ्वी को। यहाँ पर सौर ऊर्जा पूरी तरह से पृथ्वी को प्रभावित करती है, और अगर हम इसकी डिपेंडेंसी अगर सौर ऊर्जा पर रखते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला कल ना केवल हमारा बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी बेहतर हो सकेगा। कैमरामैन देवेश के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।